अब आते हैं कुछ और ट्वीट्स पे। एक बार रिलायंस पे मैं बात करना चाहूँगा। याद रखिएगा, मैं एग्जैक्टली बीते 1 घंटे से यही तलाशने की कोशिश कर रहा हूँ कि दूसरा कौन सा ऐसा स्टॉक फ्यूचर है जो वो थ्रस्ट जनरेट करेगा जो हमें यहाँ से 20 डेमा के पास पहुँचाए। 6:45, 17:645 20 डेमा फॉर निफ्टी। मानस, रिलायंस को आप कैसे रीड कर रहे हैं? मेरा इंटरेस्ट रिलायंस के स्ट्रक्चर में इसलिए है क्योंकि इंडेक्स को शायद एक एडवांटेज पहुँचा पाए। रिलायंस ने आज 22 फरवरी के बाद फर्स्ट टाइम फ्लोट और ट्रेड करना शुरू करा 20 डेमा के ऊपर। स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर आपकी स्क्रीन पे है, बट कैसे अप्रोच करेंगे आप रिलायंस को मानस? मानस आप म्यूट पे हैं, प्लीज अनम्यूट कीजिएगा अपने आपको। अवरीन जी, मैं कह रहा हूँ कि अगर आप इंटरडे चार्ट पे जाएंगे तो रिलायंस पे आपको कंफर्मेशन दिखेगा हायर टॉप्स हायर बॉटम्स का, जो कि क्लियर कट रिवर्सल का साइन है। डेली चार्ट पे 20 डे मूविंग एवरेज को स्टॉक ने रिगेन किया है, वहां पर पिछले 2 दिनों से ज्यादा वॉल्यूम देखने को मिले हैं, तो पैटर्न को देख के लगता है कि अभी 50 डे मूविंग एवरेज की तरफ जाने की कोशिश करेगा जो कि 2425 के आसपास है। तो रिलायंस में आप खरीदारी करने के ही मौके हैं। आई थिंक बेहतर रहेगा कॉल ऑप्शन के थ्रू ट्रेड को लें। 2400 का कॉल ऑप्शन रिलायंस का ले सकते हैं, 49 रुपीज का ट्रेड हो रहा है, 34 रुपए के स्टॉप लॉस से यहाँ पर आप खरीदारी कर सकते हैं करीब करीब 80 रुपए के टारगेट के लिए। ओके, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज में एक तेजी का ट्रेड। लेकिन मानस, मैं आपसे एक चीज पूछना चाह रही हूँ, ये मार्केट में तेजी का इम्पैक्ट है या फिर आप पूरी तरह से फ्राइडे ड्रेसिंग में आ गए हैं? आपका चश्मा तो बड़ा अच्छा लग रहा है। वो उस वाले चश्मे से मंदी बहुत दिख रही थी, तो मैंने कहा चेंज करके देखते जाए, तेजी दिखने लगे। ये अच्छा है, बड़ा अच्छा लग रहा है। एक बार दिखाइएगा फुल स्क्रीन में। मैंने तो एकदम ब्लू देखा तो मेरा वही रिएक्शन था, आई सेड वाओ व्हाट इज दिस चश्मा, वेरी नाइस मानस। रंग दिख रही है आप? माइकल जैक्सन पीछे है, जैगुआर भी पीछे है, मानस जायसवाल खुद है। गजब है, गजब, ग्रेट कॉम्बिनेशन। और संजीव होटा जी की टी शर्ट भी वही है। अच्छा है, मैं तो लग रहा एकदम फ्राइडे ड्रेसिंग, पावर ड्रेसिंग, ऐसे फ्राइडे।